गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ सीएस अक्षय। आज सुबह सुबह मैं आपको पता होगा कि कहाँ पे गए सर इतने जैकेट विकेट पहन के। तो मैं आज 1 जनवरी है जो नया दिन है साल का, तो सबसे पहले फर्स्ट कहना चाहता हूँ कि सुबह सुबह आपने क्या करना चाहिए 2024 में। तो सबसे पहले फर्स्ट आपने डेली आधा घंटा खुद को देना चाहिए। अगर आप डेली आधा घंटा खुद को दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल बताऊँ, जब भी आप किसी के सामने जाते हो या ऑडियंस के सामने जाते हो, जब आप कंफर्टेबली फील होंगे, मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी पर्सनैलिटी देख के लोग मेरी तरफ देख रहे, 2-3 लोग, तो आपके कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लोग आपकी तरफ देख रहे, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। तो आपने कैसा होना चाहिए 2024 में, अभी इसके बाद, तो आपने कोई अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करनी। उसके लिए क्या करना है, रोज़ आधा घंटा वॉक करना है, आधा घंटा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्यों करना है, मेडिटेशन इसलिए करना है कि बच्चों कि याद रखें आपका फोकस रहे। मेडिटेशन से क्या होता है, आपका सोचो आँखें बंद करके कि जीवन में क्या करना है, ऐसा ये शांत टाइम होता है जिसमें अपन बहुत अच्छा सोच सकते हैं अपने खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और वॉक करने की वजह से क्या होता है बच्चों, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो पूरा बर्न हो जाता है, और उसके वजह से आपको क्या होता है, जो लेजीनेस होता है आपके अंदर, जो होता है ना पढ़ाई में कल करूँगा आज करूँगा, या कल से देखता हो या अभी नहीं मन कर रहा है नहीं जाने का यार, ये सब खत्म हो जाएगा। उसके अंदर जो गुस्सा है आपका, आप चिड़चिड़ करते हो हर बात के लिए, तो वो भी कम हो जाएगा। तो ये रोज़ 1 घंटा का आप खुद के लिए दोगे, आधा घंटा वॉक आधा घंटा मेडिटेशन, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होगी। और अपन ने वादा किया कि 2024 में मैं जब तक आपके साथ हूँ तब तक मैं आपको एक अच्छी पोजीशन पर लेके मतलब जाने की कोशिश करूँगा, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़े, बहुत अच्छी ज़िंदगी में आपका बहुत अच्छा हो, ये भगवान से भी मैं प्रार्थना करता हूँ। आज 1 जनवरी है, गुड मॉर्निंग सबको, और मस्त जाओ, भगवान का आशीर्वाद लो, और अपने मेडिटेशन क्या होगा तो मेडिटेशन कर लो, आधा घंटा वॉक कर लो आज, उसके बाद कोई अपना पढ़ाई का जो रूटीन होगा उसको ख़त्म कर दो आज से, डिसाइड कोई मुझे देना है। और याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फ्रेंड के पास जाने का, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने का या बाकी चीज़ें करने की, ये बाकी बहुत करते हैं, इससे पैसा नहीं मिलने होगा। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई करने से आपको पैसा मिलेगा, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो इसको अपने प्रायोरिटी देना चाहिए। तो आप जल्दी से जाओ, जल्दी से उठो, और सुबह याद रखना पूरी दुनिया जब सोती ना तब आपने उठना चाहिए। क्यों ऐसा पता है, क्योंकि जब दुनिया उठेगी ना तो आपके 2 कदम आगे होने चाहिए, नहीं तो आप उठोगे 8 बजे जैसे दुनिया उठ रही है 8 बजे, तो आप अब भी नॉर्मल है, दुनिया भी नॉर्मल है, तो आपका दुनिया में कुछ अलग करना है तो आपको 2 कदम आगे होना चाहिए। उस 2 कदम के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, पहले उठना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा कुछ करता है लाइफ में उसको एक्स्ट्रा पक्का मिलता है बच्चों। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी आपका टाइम, मेरा टाइम दिखाता हूँ कि मैंने अभी कितना वॉक किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अराउंड अभी 550 के आगे बन किया है, और मैं अगर किलोमीटर की बात करूँ तो 7 किलोमीटर हो चुका है बच्चों, कितना 7 किलोमीटर हो चुका है। और आप सोचो मतलब मॉर्निंग में इतना फ्रेश लगता है कि जब आप 7 किलोमीटर आए, 550 के आगे बन हो चुकी है, और अभी आप मेडिटेशन करोगे, भगवान का नाम लोगे, अच्छा खाओगे, और आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर दो, प्रोटीन अच्छा कर लो, प्रोटीन मतलब जो वेजिटेरियन लोगे वो प्रोटीन में खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हैं, फिर उसके बाद आप पनीर खा सकते हो, दूध पी सकते हो, बटर मिल्क पी सकते हो जो बॉडी के लिए ठंडा लगता है, और जिसके अंदर हीट होती है तो वो रिड्यूस करता है बटर मिल्क, और जो नॉन वेज वो अंडी खा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। ये आपने ये थोड़ा थोड़ा डेवलप करो अभी से, तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद बहुत अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा, आपको मोटिवेट करते रहूँगा, और मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप लोग एक बेस्ट पोजिशन पर और एक बेस्ट पर्सनैलिटी बन के भागना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।